हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ स्टेनलेस स्टील के कैसरोल की धारा कंपनी का, जो मैंने amazon.in से मंगाया है। 3 से 4 दिन लग गए आने में। 550 रुपये इसकी कॉस्ट आई है हमको। 2500 ml कैपेसिटी है इसकी। इसमें बहुत सारे और भी साइजेज आते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ये आ गया हमारा थैली के बाहर, देखो सील पैक आया है। अब मैं इसकी सील फटाफट खोल देता हूँ। बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये रहा इसके इंस्ट्रक्शंस, इसका ध्यान कैसे रखना है, क्या रखना है। अरे वह हिंदी में भी दिया है सब कुछ, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा है बाजू में। ये देखो, ये रहा MRP 549, हमको आया 527 का। मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल्स, चलो बॉक्स तो देख लिए हर जगह से, अब फटक से इसको खोल देते हैं। अरे सील पैक है, सील तोड़ना पड़ेगा, रुको तो। कैसरोल के ना बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस आते हैं अपने पास, तो फिर मैंने ये मंगाया। इसके फीडबैक्स भी अच्छे थे और इसका प्राइस भी बहुत कम था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई मार लेते हैं। ये कंपनी का ना मेरा फ्रेंड पानी का बॉटल यूज़ कर रहा है 2 साल से, उसने कहा अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। चलो ये आ गया बॉक्स के बाहर, अब हम इसे देख लेते हैं ये कैसा है प्रोडक्ट, सब कुछ बराबर है कि नहीं। एकदम मस्त चमचमाता हुआ दिख रहा है। अरे वाह, इसमें तो मेरा फेस भी एकदम चकाचक दिखेगा। ये रहा मिरर फिनिश का फ़ायदा, इसमें तो सब कुछ दिख रहा है, मोबाइल, ट्राइपॉड, मैं, एकदम टनाटन। हैंडल भी दिया गया मजबूत वाला, वो भी विद ग्रिप के साथ। फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से की गई है ऑल ओवर। ऐसे हैंडल और ये ढक्कन तो अच्छा ही दिख रहा है। ओके, ये इंसुलेटेड ये हमने देख लिया कि ये इसके साथ दिया गया है, इसमें क्या क्या रख सकते हैं, और भी दूसरे प्रोडक्ट्स की भी जानकारी दी गई है। वैसे तो फिनिशिंग ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मस्त लग रहा है एकदम, और काफ़ी हैवी भी नहीं है, बट अच्छा खासा हैवी है, ड्यूरेबल होगा, रगेड नेचर का है, एकदम मजबूत वाला लग रहा है। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। 2500 ml कैपेसिटी है इसकी। इसको वॉश करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, सिर्फ लाइट सोप से आप धो सकते हो। ये देखो ऐसे बंद हो गया, अभी थोड़ा ना मुझे टाइट लग रहा है खोलने बंद करने में, बट मुझे लगता है फ्यूचर में थोड़ा अपन खोल बंद करेंगे तो फिर वो थोड़ा लूज़ होने वाला है, तो ये मुझे लगता है परफेक्ट है अभी। स्टेनलेस स्टील लेने का रीज़न ये था, प्लास्टिक वाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो हमें 1-2 साल में वो चेंज करने ही पड़ते हैं, तो अभी सोचा स्टेनलेस स्टील ही ले लेते हैं। ये वाला मंगाने का रीज़न मैंने जैसे कि बताया कि ये प्राइस में भी सस्ता था, फीडबैक्स भी अच्छे थे, ब्रांड के बारे में सुना था, और दूसरे ब्रांड्स के भी वो बहुत महंगे थे, और स्टेनलेस स्टील में अपने पास ऑप्शंस बहुत कम है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूँ, आप इसको गैस पे नहीं रख सकते, ना फायर पे डायरेक्ट रख सकते हो, ना फिर माइक्रोवेव में डाल सकते हो, बट ये डिश वॉशर सेफ है, ये बहुत ही अच्छी बात है। धारा स्टेनलेस स्टील एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। दोस्तों बाइंग लिंक है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो नीचे चेकआउट कर लेना। मैं और भी 2-3 कंपनियों के स्टेनलेस स्टील कैसरोल के लिंक डाल दूंगा, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो, जो पसंद है आप वो ले सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, जल्द से जल्द फटाफट रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप बटन दे दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना स्प्रेड कर सकते हो उतना स्प्रेड कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, चलो बाय।